ये है जापानी फल के जैम की यूनिक क्विक एंड इजी रेसिपी जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं इस आसान और मजेदार सी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 1 किलो जापानी फल लिए हैं और उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आप सबसे पहले इसको काट लेते हैं, इसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। जापानी फल को मैंने 2-2, 3-3 टुकड़ों में काट लिया है। अब इसको ब्लेंडिंग जार में डालकर आधा कप पानी डालकर ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करने के बाद ये देखिए कि ये कितनी अच्छी और फाइन सी पेस्ट बन गई है। अब हम इसको छान लेते हैं। क्योंकि हमने जापानी फल की स्किन को ब्लेंड करने से पहले रिमूव नहीं किया था, इसलिए छानना जरूरी है। जापानी फल के मिक्सचर को अच्छी तरह से छानने के बाद अब हम इसको चूल्हे पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे। यहाँ पर हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। बॉयल आने के बाद हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें 3 कप चीनी ऐड करेंगे, यानी 750 ग्राम्स। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि जैम गाढ़ा हो जाए। इस दौरान चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है ताकि जैम नीचे ना लगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। जापानी फल का ये जैम बहुत ही डिलीशियस बनता है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैम के थिक हो जाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैम को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको पिंच में डालकर चेक करते हैं। तो आप ये देखिए कि इसमें से पानी का ड्रॉप तो नीचे नहीं आ रहा, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी है। तो हम बस इसको 1 मिनट और पकाएंगे और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। उसके बाद इसमें क्या शामिल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। फ्लेम को ऑफ करने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको शीशे के एयरटाइट जार में रखकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, कहिए कैसी लगी आपको जापानी फल के जैम की ये बहुत ही आसान और यम्मी सी रेसिपी। आप इसको जल्दी से बनाइए और इंजॉय कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज्जत अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मजेदार रेसिपीज के साथ। अल्लाह हाफिज़।